जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्टूडियो में। आइए स्टूडियो में बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापक निर्मित एवं प्रमाणीकृत परीक्षण अर्थ विशेषताएं अंतर, टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट। इसको हम अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट भी कहते हैं, अमानकीकृत परीक्षण भी कहते हैं। और एक और पॉइंट देख लेंगे, उपलब्धि परीक्षण। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये तीनों पॉइंट्स, कई बार आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आए हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक छोटे से वीडियो में मैं आपको बस समझा दूँ ये चीज़ें होती क्या है। हम किसके बारे में बात कर रहे थे, वो नाम से ही आपको समझ जाएगा। टीचर मेड टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जो टीचर के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा दोस्तों स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जिसको मानकीकृत परीक्षण कहते हैं। तीसरा दोस्तों उपलब्धि परीक्षण। अच्छा, ये सब चीज़ें हैं क्या? जैसे आप यहाँ तक आए हैं तो आपने एक पेपर दिया होगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स। अब आप बताइए कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स एक टीचर मेड टेस्ट था कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट था? बिल्कुल एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट था, जिसको मानकीकृत परीक्षण कहते हैं। क्योंकि जब हम ये तय करते हैं तो हम सभी देखते हैं, जैसे मान लीजिए उसमें आपने हिंदी भी दिया होगा, इंग्लिश भी दिया होगा, आपने जीके जीएस रीजनिंग, ये सारी चीज़ों को मेजर करके आपका एडमिशन हुआ होगा। तो जब ऐसी कोई परीक्षा किसी विशेष शिक्षक या किसी विशेष कमेटी या किसी विशेष टीम के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें संपूर्ण समावेश रहता है किसी बच्चे की उपयोगिता जानने का, किसी बच्चे का नॉलेज टेस्ट करने का, तो वो हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं। जो उसकी एक स्टैंडर्ड फिक्स होती है कि इतने क्वेश्चन रीजनिंग होंगे इतने, तो जब इस तरीके के टेस्ट लिए जाते हैं उसे हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं। उसके विपरीत टीचर मेड टेस्ट, मान लीजिए बच्चा सर कोई क्लास में पढ़ा रहे हैं या मैम कोई क्लास में पढ़ा रही हैं या किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं, वो बच्चों का टेस्ट लेंगे। जैसे मान लीजिए सिक्स क्लास का, सेवन क्लास का, एट क्लास का, ये टीचर जब टेस्ट लेते हैं, वो खुद से जब पेपर बनाते हैं उस तरीके के टेस्ट को, उस तरीके के एग्जाम को अध्यापक निर्मित या फिर टीचर मेड टेस्ट कहते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, वो है दोस्तों उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट दोस्तों, किसी भी कोर्स को आप कंप्लीट कराने के बाद, किसी भी चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद या किसी भी सिलेबस को कंप्लीट कराने के बाद, आप ये चेक करते हैं कि बच्चे कहाँ तक सीख पाए हैं, बच्चे को कितना अचीव हुआ है। इस तरीके के टेस्ट को उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। तो यही तीन पॉइंट हमें समझना है, समझ तो गए हैं, बस इसको लिखना क्या है। आइए ज़रा इसको एक बार शब्दों को देख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो बात करते हैं कि अध्यापक निर्मित परीक्षण। अध्यापक निर्मित परीक्षण क्या है दोस्तों? अमानकीकृत अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट है। इसकी कोई मानक तय नहीं होगी कि इतना, ये अध्यापक की इच्छा अनुसार ये चीज़ें बनाई जाती हैं, अमानकीकृत परीक्षण कहते हैं। अध्यापक निर्मित परीक्षण से हमारा तत्पर्य उन परीक्षाओं से है जिसका निर्माण कोई अध्यापक अपनी कक्षा के लिए अपने द्वारा पढ़ाए गए विषय के पाठ्यक्रम के उतने भाग के आधार पर जो उसने एक निश्चित अवधि के अंतर्गत पढ़ाया है। एक निश्चित अवधि के अंतर्गत, एक इंग्लिश में एक लिमिटेड ड्यूरेशन के अंदर जो टीचर ने पढ़ाया है उसी के अंतर्गत एक टेस्ट जो कि खुद उस टीचर के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कहते हैं। ये परीक्षण विधि विभिन्न विषय के लिए तैयार की जाती है। इन परीक्षाओं का निर्माण विधि मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण से अलग होता है। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण का मतलब जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है कि आपको इतने ये सिलेबस में रखना है, इतना ये नहीं, ये उससे अलग होता है। ये कंप्लीट डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। यह परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ होती हैं लेकिन प्रमापीकृत नहीं होती। कहने का मतलब इसका कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, वो टीचर मेड है भाई, वो टीचर की मर्जी है, वो एक ही चैप्टर से सारे सवाल दे दे, क्योंकि वास्तव में टीचर टेस्ट कर रहे होते हैं ना कि बच्चे को कहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसके कुछ विशेषताएं, पहली बात तो यही होगी कि ये अध्यापक के द्वारा बनाया जाता है, यह मानकीकृत नहीं होता, स्टैंडर्डाइज नहीं होता। यह परीक्षा समिति पाठ्य वस्तु के संदर्भ में कुछ विशिष्ट उद्देश्य, मतलब कुछ स्पेशल आप चेक करना चाहते हैं कि बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ, तो इस तरीके से कुछ स्पेशल अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, कुछ स्पेशल टॉपिक पे आप जो टेस्ट ले लेते हैं। यह परीक्षण किसी भी विषय अध्यापक द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं ना कि इंग्लिश का टीचर मेड टेस्ट हिंदी का टीचर पेपर सेट कर, ये नहीं हो सकता ना। इंग्लिश का इंग्लिश वाले सर ही करेंगे, मैथ के मैथ वाले सर ही करेंगे। इन परीक्षाओं में प्रश्न विभिन्न रूप के समावेश आसानी से किया जाता है, टीचर की अपनी इच्छा हो तो वो आसानी से कर सकते हैं। यह परीक्षा पूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। यह परीक्षक के मन, अब ये ना टीचर के प्रभाव पे ही डिपेंड करता है कि वो टीचर को लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो दे देगा, टीचर को लगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा फोकस है, तो कहने का मतलब ये टीचर के प्रभाव से पूर्ण रहता है। ठीक है, और टीचर के लिए स्वतंत्र भी रहता है। तो ये उसकी कुछ विशेषताएं हो गई, इसको बस अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। कहने का मतलब समझ गए ना, जो टीचर टेस्ट बनाते हैं, जो सर बनाते हैं, जो मैम बनाते हैं, कोई स्टैंडर्डाइज नहीं होता, मानकीकृत नहीं होता, इसको क्या कहते हैं? अमानकीकृत अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट भी कहते हैं। यू गेट माई पॉइंट, वेरी गुड। चलिए, लाइट को क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट, सिमिलरली स्टैंडर्डाइज के मतलब मानकीकृत या प्रमाणीकृत शब्द किसी मानक या स्तर तक लाया हुआ मानकीकृत परीक्षण है। वह परीक्षण है जिसमें अपना एक निश्चित मानक होता है
और उसके अंकन का तरीका पूर्व निर्धारित होता है। ठीक है, कैसे उसको चेक करना है, कैसे टेस्ट करना है, ये पहले से डिसाइड होता है। एक मानकीकृत परीक्षण में बहुविकल्पीय, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न का मिश्रण शामिल है। जैसे बोर्ड का एग्जाम मान लीजिए, बोर्ड का एग्जाम क्या है भाई, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, उसमें तय होता है कि इस तरीके इतने चार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, इतने। यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी मानकीकृत होता है, यूनिवर्सिटी जो आपका एग्जाम में निकलती है वो भी मानकीकृत होता है, प्रमाणीकृत होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। ठीक है, अब थॉर्नडाइक और हैगेन ने कहा था, मानकीकृत परीक्षण का अभिप्राय केवल यह है कि सामान्य निर्देशों और समय की समान सीमाओं के अंतर्गत समान प्रश्न उत्तर देते हैं। यहाँ पे समय निर्धारित होता है, सीमा निर्धारित, ये सारी चीज़ें हो गई। दो पॉइंट और देख के वीडियो को समाप्त करेंगे। छोटी सी वीडियो मैंने पहले बताई थी कि मानकीकृत परीक्षण की विशेषताएं, अब आप लिख सकते हैं। पहला तो ये भाई, एक विशेष विशेषज्ञों के समूह द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण विभिन्न कक्षाओं एवं विषय के लिए किया जाता है। एक कक्षा एवं एक विषय के लिए अनेक प्रकार के परीक्षण होते हैं। ठीक है, कई सारे टेस्ट पेपर बना दिए जाएंगे, कोई एक आपके लिए सिलेक्ट किया जाएगा। इन परीक्षणों का निर्माण परीक्षण निर्माण के निश्चित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है कि कितने समय के लिए बनाना है, कितने क्वेश्चंस रखने हैं, कितने शॉर्ट रखने हैं, कितने वेरी शॉर्ट रखने हैं, कितने लॉन्ग रखते हैं। तो जो विभिन्न सिद्धांत होते हैं उसके अनुसार बनाया जाता है। हर एक यूनिट से दो सवाल भी होना चाहिए। इस तरीके कुछ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखा जाता है पेपर निर्माण करते समय। जब किसी विशेष के लिए इन परीक्षाओं का निर्माण किया जाता है, उनको विभिन्न स्थानों पर उसी कर सैकड़ों हजारों बालकों का प्रयोग करके विश्वसनीय बनाया जाता है, अर्थात मानकीकृत किया जाता है। अब कहने का मतलब ये ना, जैसे नीट का पेपर होगा या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स होगा, तो आपको देखना कि पूरे सिलेबस को कवर करना है, तो सारे बच्चों को संतुष्टि पूरे अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप केवल एक ही यूनिट से पूरे सवाल दे दिए, नीट में नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा विश्वसनीय है कि आपको पूरा संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख के मानकीकृत जो भी आपके फॉर्म है, जो भी आपके कंडीशन है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, उन सबको लेके एक विशेषज्ञ द्वारा बनाया जाने वाला परीक्षण है। परीक्षण का प्राथमिक रूप या आकार बड़ा होता है, लेकिन इन परीक्षण या प्रयोग किए जाने के बाद प्राप्त है कि अनुभवों के आधार पर इनकी संख्या में विशिष्ट स्थानों में कमी दी जाएगी। इनमें सम्मिलित प्रश्नों को निश्चित निर्देशों के अनुसार निश्चित समय के अंदर करना पड़ता है। मूल्यांकन का अंक प्रदान करने के लिए भी निर्देशित होता है कि कौन कितने नंबर का होगा, और निश्चित समय के अंदर करिए। और टीचर भी जो चेक कर रहे हैं उनको पता है कि एक क्वेश्चन में आप 7 नंबर ही दे सकते हैं या 10 नंबर ही, उनके लिए ऐसा नहीं कि पहला ही क्वेश्चन सही उसमें पासिंग का पासिंग कर दिए भाई। जो स्टैंडर्डाइज का मतलब हर एक चीज़ फिक्स होता है। इन परीक्षणों का प्रयोग छात्रों के वर्गीकरण, चयन, नियोजन करने के लिए किया जाता है। इन परीक्षणों की रचना शिक्षा जगत में कोई प्रबुद्ध व्यक्ति कर सकता है। ये परीक्षण निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होते हैं। निष्पक्ष होता है मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। कुछ इसी प्रकार से अंतर पूछ ले, तो अंतर आप लिख सकते हैं कि ये अमानकीकृत है, अनस्टैंडर्डाइज है, ये मानकीकृत है। इसका परीक्षण विशिष्ट के लिए किया जाता है, जबकि इसके व्यापक क्षेत्र के लिए किया जाता है। अध्यापक निर्मित की बात की जाए तो यह अध्यापक द्वारा तैयार किया जाता है और मानकीकृत विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। ऐसे परीक्षण का निर्माण कम समय लगता है और इसमें ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, क्योंकि इसको पूरा उसके मानक के अनुसार इनको निर्धारित करना होता है। इन परीक्षणों की विशेषताएं वैधता ज्ञात नहीं की जा सकती, जबकि इसकी ज्ञात की जाती है और गुणांक और गणना में भी आसानी होता है। समझ आ गई बात। चलिए इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और रहेगा। इन परीक्षणों का अध्यापक के अनुभव की आवश्यकता होती है। इन परीक्षणों की रचना के संदर्भ में ग्रंथ, विभिन्न परीक्षाओं की भी असर, इससे पहले कितने तरह के पेपर हुए, कौन सा सवाल आया, कैसे पूछा गया, इन सब की भी जरूरत होती है। इन परीक्षणों के प्रशासन एवं फलांग के लिए निश्चित समय नहीं होता। परीक्षणों का प्रशासन एवं फलांग प्रत्येक अध्यापक अपनी सूझबूझ से करता है कि वो कितने समय के लिए टेस्ट ले रहा है। जब इसका क्या है भाई, इसका समान होगा और इसका पूर्व निर्धारित होगा कि कितने समय के लिए आपको करना है। इन परीक्षणों में किसी प्रकार के मानक ज्ञात नहीं किए जाते हैं, जबकि इन परीक्षणों में विभिन्न समूह स्तर के मानक ज्ञात होते हैं कि किस लेवल का आप टेस्ट ले रहे हैं, क्या उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए और क्या उसकी पैरामीटर्स होना चाहिए। अब एक और पॉइंट है देख लेते हैं, वो है उपलब्धि परीक्षण, जिसको हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। जैसा मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था, उपलब्धि परीक्षण यह मापता है कि किसी व्यक्ति ने समय के साथ कैसे सीखा, अपने वर्तमान प्रदर्शन का विश्लेषण करके उसे क्या सीखा, मतलब वही कितना सीखा, कितना अचीव हुआ, उसका अचीवमेंट कितना है। यह भी मापता है कि कोई व्यक्ति वर्तमान समय में किसी विशेष ज्ञान क्षेत्र को कैसे समझता है और उसे महारत हासिल करता है। इस परीक्षण से आप विश्लेषण कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति उन कार्यों को करने में अपनी कितनी तेजी सटीकता काम करता है, वो उपलब्धि माना जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, एक शॉर्ट शब्दों में समझ जाइए उपलब्धि परीक्षण के बारे में, कि जब हम किसी बालक का या किसी छात्र के उपलब्धि को जांचते हैं, हम ये देखते हैं कि एक निश्चित समय में बच्चा कितना सीखा, कितना उससे ज्ञान हुआ, कितना उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, कितना वो सूझबूझ डेवलप करता है, कितना वो जान चुका है। जब हम इन उपलब्धि का परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसे अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण कहते हैं।
उपलब्धि परिप्रेक्ष्य ऐसे आकलन का है जिसके अंकों का उपयोग अक्सर यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि छात्र किस स्तर की शिक्षा के लिए तैयार है। हम ये देखते हैं कि बच्चा किस लेवल के एजुकेशन के लिए वो रेडी है। उच्च उपलब्धि स्कोर आमतौर पर संकेत देता है कि ग्रेड स्तर में महारत हासिल है और छात्र उन्नत शिक्षा के लिए तैयार है। इसके विपरीत कम उपलब्धि स्कोर वाले सुधार पाठ्यक्रम ग्रेड को दोहराने की आवश्यकता है। जिस बच्चे का परसेंटेज अच्छा होगा, जिसका ग्रेड अच्छा होगा, ग्रेड ए बी सी मान लीजिए, तो वो हायर लेवल के लिए रेडी है, और जिसका कम होगा वो फेल नहीं है, उसे सुधार की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये तीन छोटे पॉइंट थे दोस्तों, अध्यापक निर्मित, प्रमाणीकृत और उपलब्धि परीक्षण। ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसका अलग से जानना है, एक बार समझ लीजिए। अगर इनके शब्दों को, मैं ये पीडीएफ जब मेरी फ्रेंड जब बना रही थी पीडीएफ को, तो ऑलरेडी हम बहुत सारे गूगल और फॉर्म को विजिट कर चुके हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इसको लिखिएगा तो गूगल और ये की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, खुद जो समझ गए ना उन्हीं को अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये तीन में से एक सवाल आपको ज़रूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको एक बार नोट्स बना लीजिएगा, एक लिख लीजिएगा, और विशेषताएँ इस तरीके से आप बना के लिख सकते हैं, जो आप कॉन्सेप्ट समझे इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया इस पीडीएफ को बनाने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं अक्सर आपको मेंशन नहीं करता हूँ, बट यू डिजर्व, यू रियली डिजर्व, यू डू अ वेरी हार्ड वर्क फॉर माय चैनल्स, यू डू वेरी हार्ड वर्क फॉर दिस पीडीएफ एंड सच अ ब्यूटीफुल पीडीएफ यू मेक, एंड यू आर अ वेरी टैलेंटेड एंड ग्रेट पर्सन। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय चैनल्स, थैंक यू सो मच। टुडे यू विल बी वेरी हैप्पी, राइट? बट या डेफिनेटली यू डिजर्व टू बी रिकॉग्नाइज्ड, यू डिजर्व टू बी नोन, सो वन डे डेफिनेटली आई इंट्रोड्यूस यू ऑन माय चैनल्स, एक दिन बताऊंगा सबके कि आप कौन हो। बहुत शुक्रिया मेहनत करने के लिए, और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नोट्स बना लीजिएगा, एक बार रिहर्सल कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार, ज़्यादा बार नहीं करना है, सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मैं तो कहना ही भूल जाता हूँ कि लाइक कर दीजिएगा, नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा हमें, कुछ नंबर्स बढ़ जाएंगे सब्सक्राइबर तो मुझे भी खुशी होगी ना। तो बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी कोई राय प्रतिक्रिया हो कमेंट में बताइए मुझे, आपका कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है तो आप अपनी तरफ से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते रहिए यार, बातें तो होती रहेंगी। चलिए जय हिंद जय भारत, जाते हैं, खुश रहिए खुश रहिए। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।